रामलला की मूर्ति पे जो है बहुत ही खूबसूरत फूल लगाए जाएंगे, और वो खूब और वो फूलों के अंदर कुछ खास बात है, कुछ अलग बात है। मैं आपको दिखाऊं, इन फूलों के ऊपर ये जो है तस्वीरें बनी हुई हैं, और एक ये नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। ये इस तरीके के फूल जो हैं रामलला की मूर्ति के पास लगाए जाएंगे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों पर जो है आकार और चित्र बना हुआ है। जो ये फूल बना रहे हैं वो फैमिली एक है गुजरात से जिन्होंने बनाया है, और ये उनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। हम उनसे बात करेंगे। अशोक जी, पहले आप हमको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। सर, एक लेंस टेक्नोलॉजी है, इसको बनाने में करीबन हमें 4 साल लगे थे। अपने नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि मेक इन इंडिया, कुछ नया करना है भारत में, अपने हिसाब से खींचे। हमें भी कुछ ऐसे विचार आया कि हम क्या ना क्यों ना ऐसा कुछ करें जो पूरी दुनिया में ना हो, पूरे वर्ल्ड में ना हो। फिर हमने फूलों के ऊपर R&D करना शुरू की, तो करीबन 4 साल के बाद इसमें हमें कामयाबी मिली। और सबसे पहले ये फूल जब रामलला का जब भूमि पूजन हुआ अपना अयोध्या मंदिर का, तब ये 500 फूल वहाँ पर लगाए गए थे। और अब जब अपने रामलला अपने मंदिर में अपने महल में जब विराजेंगे, तो उस दिन ये हजारों की संख्या में ये फूल वहां पे रामलला के लिए सिंगा। कितने कितने फूल का ऑर्डर बना रहे हैं आप? ऑर्डर में तो सर 8 से 10 हज़ार फूलों का ऑर्डर है, लेकिन हर एक फूल के ऊपर मैन्युअली काम करना होता है, तो शायद थोड़ा मुश्किल है। तो करीबन 3 से 3,500 फूलों तक का हमारा टारगेट है कि हम रामलला को समर्पित कर पाए। अच्छा, तो ये जो फूल हैं वो लगेंगे रामलला की मूर्ति के उस तरफ, है ना? तो किस किस तरीके के आकार बने होंगे फूलों पर, किस किस तरीके के आकार देखने मिलेंगे? फूलों के ऊपर रामलला की तस्वीर होगी, जय श्री राम होगा, जय श्री राम के साथ अयोध्या राम मंदिर का अपनी जो चित्र है वो होगा, रामलला लिखा हुआ होगा, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारी सबकी जान, तिरंगा। इस और तरह किस से किस तरीके के आपने पहले इस पे आकार बनाए हुए हैं फूलों पर, अगर हम बात कर रहे हैं किस और तरीके के आकार, क्या क्या बना रखा है आप लोगों ने इसमें? ज्यादातर अभी तक जो किया है वो रामलला को और जय श्री राम को लगता हुए हमने ये सारे किए। और अभी इसके साथ जब 22 जनवरी को रामलला अपने महल में पधारेंगे, तो ये फूलों के साथ साथ जो एक इंडोर प्लांट होते हैं, जो प्राकृतिक जो झाड़ है, छोड़ जिसको बोला जाता है, उसके पत्तियों के ऊपर भी जय श्री राम, रामलला, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारी जान, तिरंगा, ये सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए अशोक जी। तो ये एक बार मैं आपको फिर से फूल दिखाना चाहूँ, किस तरीके से ये फूलों के ऊपर जो है डिजाइन बना हुआ है, और इन फूलों की जो है लाइफ भी काफी लंबी होती है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो फूलों की लाइफ भी काफी लंबी होती है। ये है वो आकार जो रामलला की मूर्ति के पास लगेंगे, ये है वो फूल। कैमरा पर्सन विनीत कुमार वर्मा के साथ अयोध्या से तनिष पंजाबी।